आपका स्वागत है और मैं हूं अश्विनी कुमार और आज हम आ पहुंचे हैं लेनोवो Z2 Plus के लॉन्च पर और यहां मेरे हाथ में है लेनोवो का Z2 Plus स्मार्टफोन। एक सबसे बड़ी खास बात स्मार्टफोन की है कि इसे स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत काफ़ी कम है, मतलब 20,000 के नीचे की कीमत में आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन मिल रहा है। लेनोवो के Z2 Plus स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट 3GB रैम वाला है और दूसरा वेरिएंट 4GB रैम वाला है। इसके अलावा अगर स्टोरेज की बात करें, जो पहला 3GB रैम वाला वर्जन है उसे 32GB स्टोरेज के साथ और दूसरा 4GB रैम वाला वर्जन उसे 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। अगर इनकी कीमत की चर्चा करूँ तो 3GB रैम वाले वर्जन की कीमत 17,999 रुपये है। इसके अलावा दूसरा जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वर्जन है उसकी कीमत 19,999 है। तो स्नैपड्रैगन 820 के साथ ये एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन है भारत में जो 20,000 के नीचे आपको मिल जाएगा और इसे आज लॉन्च किया गया है और आज हम इसका जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं वो इसके लॉन्च इवेंट से ही दिखा रहे हैं। तो जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ स्पेक्स पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 820 के साथ लॉन्च हुआ है, जो प्रोसेसर इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3GB रैम और 4GB रैम मौजूद है, जो एक DDR4 रैम है। साथ ही इसे 32GB और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। अगर स्टोरेज की बात करें तो एक नया प्लेटफॉर्म जो मुझे देखने को मिला है स्मार्टफोन में वो है सैंडिस्क का i7232 स्मार्ट SLC स्टोरेज प्लेटफॉर्म इसमें मौजूद है। एकमात्र ऐसा फीचर है जो पहली बार किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इसमें 5 इंच की FHD डिस्प्ले जिसका पिक्सल डेंसिटी है 441 PPI। स्मार्टफोन में 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले 441 PPI के साथ मौजूद है। साथ ही स्मार्टफोन GUI पर काम करता है। इसमें एंड्रॉयड मार्शमेलो 6.0.1 मौजूद है। इसके अलावा अगर इसके रियर कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का एक रियर कैमरा मौजूद है, साथ ही 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा आप यहां देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके स्मार्टफोन की दूसरी खास बात जो है, इसमें एक 3500 mAh क्षमता की बैटरी दी गई है। यह है जो बैटरी है, जो इसकी बैटरी है इंटेलिजेंट चार्ज कंट्रोल के साथ आई है। तो ये भी एकमात्र ऐसा फीचर है जो पहली बार आपको किसी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इसके बैक को दिखा रहा हूँ जो कि एक फाइबर ग्लास है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है जो DU टच के नाम से जाना जाता है। अगर आप स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को देखते हैं तो ये मल्टीटास्किंग बटन भी है, तो आप इसे जैसा चाहें उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ डेमो दिखा रहा हूँ, ये इसका पहला डेमो है, ये दूसरा डेमो है और ये तीसरा डेमो है। लेनोवो के Z2 Plus स्मार्टफोन का फर्स्ट इम्प्रेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ और एक नए स्मार्टफोन के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक आप डिजिट के साथ बने रहें। इसके अलावा डिजिट के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिजिट के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं टेक से जुड़ी कोई भी जानकारी को, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप digit.in/HI वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पर जाकर भी हमें लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।